नमस्ते दोस्तों, दिल की बात एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ऐसे टॉपिक की जो समाज में ज़्यादा बोला नहीं जाता है। समाज में से ये माना जाता है कि इस पे अगर बात करेंगे, मतलब इस पे बात होती है बट इसके विपरीत अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको बहुत ही वैसी नज़रों से देखा जाता है। लोग बोलते हैं कि एम्बिशियस होना चाहिए। आज का जो टॉपिक है कि क्या सबको एम्बिशियस होना ज़रूरी है, क्या एम्बिशियस होना ज़रूरी है, कि सबको ये होता है कि मुझे IIT करना है, मुझे ये करना है, राइट, मुझे यहाँ आगे बहुत जाना है, मुझको बहुत करोड़ों पैसे कमाने हैं, ज़्यादातर यही दिखाया जाता है। जैसे जो आजकल जो सिग्मा माइंडसेट और बिलियनेयर माइंडसेट, ये सब मीम्स आते हैं ना कि लोग पैसा दिखाते हैं कि हमको दोस्त नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। या पहले लड़कियों की फ़ोटो दिखाते हैं कि लड़की, और फिर कहते हैं कि नहीं, हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। लड़कों के लिए ये ज़्यादा किया जाता है कि लड़के जो है वो इस माइंडसेट में होते हैं कि पैसा मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, या पैसा ही सबसे ज़रूरी है, फिर कि IIT करना चाहिए, या डॉक्टर बनो, बड़ा कुछ ना कुछ वो करो, मतलब IPS, IAS, IAS के पीछे वो, मतलब सब वो म्यूज़िक वगैरह लगा के और उसको IAS को बहुत ही वैसा दिखाते हैं। देखो, IAS बनना बहुत ही बड़ी चीज़ है और IAS से सोसाइटी को भी बहुत ही ज़्यादा आप अफेक्ट कर सकते हो, मतलब पॉजिटिव वे में, पर वो चीज़ नहीं दिखाई जाती है कि IAS को, IAS बन के, देखो कुछ भी चीज़ IAS बनना अच्छी बात है, पर क्यों बन रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आप IAS अगर, IAS, IPS अगर आप करप्शन के लिए बन रहे हो, या अगर IAS, IPS आप दिखावे के लिए बन रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बनोगे भी नहीं, ठीक है। जो आपका जो बेसिकली जो रीज़न होना चाहिए ना, वो जो रीज़न है वो एक तो आपको वो ज़्यादा देर तक खींचे, ठीक है। जब आप जिस मोमेंट में, जब आप बहुत ही वीक फील कर रहे हो, आपका कोई एग्ज़ाम है, मॉक में आपके कम मार्क्स आए और आपको लगा नहीं बनूंगा यार, छोड़ो, कोई दो तीन लोग नहीं देखेंगे, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, चलेगा, मैं गुमनामी की ज़िंदगी जी लूँगा, कोई आपका जो रीज़न होना चाहिए वो आपको लंबी रेस का घोड़ा आपको बनाना चाहिए, ठीक है। एंड आई नो कई लोग हैं जिनके होते हैं कि मुझे करप्शन करना है या नेगेटिव वो होगा, और वो बन भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको लंबी रेस का घोड़ा बना देते हैं, उनको होता है कि मैं ये करूँगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मेरी इतनी ठाट होगी, और वो कर देगा। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर पॉजिटिव इंटेंशन हो ना, पॉजिटिव रीज़न हो, तो अंदर से भी खुशी मिलती है। हम लोग ना अंदर की खुशी को भूल गए हैं, बाहर की खुशी जो सोसाइटी से हमें मिल रहा है वो, उस खुशी में हम ज़्यादा गुम हो गए हैं, उस खुशी में कि वो जो वो हमको चाहिए, राइट। तो मैं ये बेसिकली ये आज कहना चाहता हूँ कि एम्बिशन जो है वो सबके लिए है क्या? सबको एम्बिशियस होना ज़रूरी है? कई हम देखते हैं ना, और मैंने पहले भी बोला है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर सबको छोड़ छाड़ के छत्तीसगढ़ के गांव में बैठ गए, या डॉक्टर्स बैठ गए गांव में और वो फ्री में लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि एक है ना दिल के अंदर कुछ होता है, वो एक है ना, वो चीज़ को मैं बोलूँगा इंटरेस्ट, या एक कॉन्शियंस हमारा, वो है ना, वो दबेगा नहीं, तुम कितना भी दबाने की कोशिश करो अपने थॉट्स से, पर वो इमोशन, अभी तुम ज़्यादातर जो मेरे चैनल देख रहे हैं वो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं, तुमने कितने सालों से ट्राई किया ना अपनी एंग्जाइटी को दबाने के लिए, दब रही है क्या वो लॉजिक से, कंपल्शन से? नहीं दब रही ना, बार बार आ जाती है, बार बार आ जाती है, राइट। तो ये जो अंदर का जो वो है ना, अंदर जो तुम्हारा दिल कहता है ना, उसको तुम ना दबा नहीं सकते, उसके साथ तुम नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट मतलब कि मुझे ये करना है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कोरियोग्राफर बनूं, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है कि मैं डांसर बनूं, पर चल, पर मुझको पेट भी पालना है, तो मैं सुबह नौकरी करूंगा और शाम को कोरियोग्राफर का कुछ वो करूंगा। बट बहुत ज़रूरी है कि आपको जो अपना इंटरेस्ट है वो नर्चर करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें खोखली ज़िंदगी जियोगे मेरे दोस्त, खोखली ज़िंदगी जियोगे और मर जाओगे खोखले। अपने इंटरेस्ट को, अपने दिल की बात को सुनना शुरू करो। अब मेरा एक फ्रेंड है जो 40-50 लाख कमाता है, ठीक है, उसकी 50 लाख सैलरी है पर मंथ, सॉरी पर मंथ नहीं, पर ईयर 50 लाख सैलरी, अराउंड 40-45 लाख सैलरी है, तो उसको इन हैंड 2.5-3 लाख मिलता है, ठीक है, 2.5-3 लाख दिन का, उसे कोई मतलब वो बच्चे बच्चे नहीं है, वो है, तो बहुत अय्याशी से जी रहा है, वो खुश नहीं है। वो कितनी बार मुझे बोलता है कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे भी यूट्यूब चैनल खोलना है, या मुझे कुछ, उसको भी जिंदगी में वो चीज़ें करनी है, वो बहुत खोखला फील करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरा एक दोस्त है जो सरकारी
है सरकारी, उसमें है, काफी अच्छी पोस्ट में है, जो लोग मतलब कि मरते हैं एग्जाम निकालने के लिए, वो एग्जाम उसने निकाला हुआ है, वो भी यही बातें करता है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की जो वो इंटरेस्ट है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी वोकरी छोड़ के तुम वो करो, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, आई एम सेइंग कि क्या होता है ना, एक होता है लॉजिक और एक होता है हमारे इमोशन, जो हमेशा बोलता हूँ। लॉजिक ये है कि जैसे काम तो करना पड़ेगा तो रोटी कहाँ से आएगी, तुम अब कमाना शुरू कर छोड़ दो ना तो तुम्हारे घर वाले भी तुमको ताने मारने लग जाएंगे। तो लॉजिक तो पहला जो होता है ना कि ये तो करना ही है बाय डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल जो होता है ना कंडीशन क्राइटेरिया कि यूपीएससी या क्लियर करना है तो ग्रेजुएट होना है और 32 ईयर से कम होना है, ये तो होना ही है। तो तुमको पहले स्टेप है कि अगर तुम अगर स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, तो पहला है कि तुम अपनी रोजी रोटी इतना कमाओ कि तुम अपने आप को पाल सको, और अगर तुम्हारे घर वाले मांगे 10-20 हज़ार या जितने 1 लाख रुपया मांग रहे हैं तो वो मैं नहीं कह सकता, पर 10-20 हज़ार या उतना जितना उनका पालन हो सके, पालन पोषण उतना कमाओ, उतना तुम्हें कमाना है, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि अपनी दिल की बात सुनो, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो खोखली जिंदगी जियोगे, एक ही जिंदगी है, ठीक है। तो तुम्हें पहला तो अपना वो कर लो कि जो तुम्हें रैशनल जो चीजें हैं, जो लॉजिकल चीजें हैं कि हाँ मुझे अपना कमाना है, मुझे अपना जीना है, मुझे किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना। बट सेकंड चीज है कि इंटरेस्ट। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं एक पॉइंट ये हो गया कि जो एम्बिशियस है, कई सब लोग है ना, एम्बिशन हर डिफरेंट डिफरेंट होता है। कई लोगों का एम्बिशन होता है कि मुझको अपने करियर में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, पर फिर क्या होता है कि वो लोग जो है वो अपने करियर में आगे चले जाते हैं, तो हमेशा ये देखा जाता है कि जो लोग करियर में आगे जाते हैं ना, तो उनका कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है, मे बी फैमिली या कुछ किसी चीज में। हर बंदा ऑलराउंडर नहीं होता, कोई बंद जैसे मैंने देखा है कॉर्पोरेट में कि जो ज्यादातर लोग बहुत ही ऊपर चले जाते हैं ना, जो बहुत ही हाई फ्लाइंग 10 साल में 15 साल में वाइस प्रेसिडेंट बन गए, ये वो बन गए, उनकी फैमिली लाइफ बहुत खराब ही होती है, या डिवोर्स होते हैं, या वो अपने हस्बैंड या वाइफ से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही मोटे हो गए हैं, उनकी हेल्थ खराब हो गई है, बेसिकली कुछ ना कुछ तो नेगेटिव ना हो ही जाता है, क्योंकि आप एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे ही फोकस करते जा रहे हो। मेरा इस वीडियो में ये पॉइंट है कि करियर 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 इज इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज कि पहला अगर तुम्हारा करियर में मन नहीं लग रहा है, अगर तुम्हें ये है कि मुझको नहीं करना है, मुझे कॉर्पोरेट या ये बहुत सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सर पे आ रही है, दिल पे आ रही है, मैं मुझे नहीं करना है, तो इट इज ओके टू बी नॉट एम्बिशियस। बट लॉजिकली अगर देखा जाए, तुम पैदा हो गए हो तो जीना पड़ेगा, राइट? तो जीने के लिए जो पैसे वैसे चाहिए वो तो तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, ठीक है। हाथ फैलाओगे ना, अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट जब खत्म हो जाती है ना, तो सब खत्म हो जाता है। तो हाथ नहीं फैलाना है, खुद से पैसे कमाओ, ठीक है, खुद से पैसे कमाओ, खुद के पैरों पे खड़े रहो। बट उसके बाद जो अगर तुमको एक खुशहाल जिंदगी जीनी है ना, तो अपने इंटरेस्ट अपनी हॉबीज को भी फॉलो करो, तो मे बी एक ऐसी नौकरी लो जिसमें तुम अपने इंटरेस्ट अपने पैशंस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि तुम अपने इंटरेस्ट अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है। और मे बी अगर तुम्हें कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें तुम्हें टाइम मिले, टाइम भी बहुत जरूरी है, मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है, हर चीज की करियर मुझे ये करना है वो करना है, ये रैट रेस कभी खत्म नहीं होगा यार। तुम पहले स्कूल में फर्स्ट आना था, फिर यहाँ फर्स्ट आना है, फिर उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो कि मेरे पोते ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने वो कर दिया, हर जगह कंपटीशन कंपटीशन, बस करो यार कंपटीशन। इस कंपटीशन की वजह से ही तुम्हारा माइंड ओवर एक्टिव है, ओवर थिंकिंग है, और तुम इसमें फंस गए हो। 2 मिनट बैठो, सुकून की सांस लो, ठीक है, सोचो कि मुझे दिल से करना क्या है। हर जो दुनिया बोल रही है वो दुनिया बोल रही है, एक्सटर्नल, अच्छे कपड़े पहनना, ये वो करना, वो दुनिया। मैं जब आराम से बैठा हूँ तो कुछ भी कपड़े पहनता हूँ, मैं बहुत ही कंफर्टेबल वो करता हूँ, पर जो एक डिफॉल्ट मोड है ना कि जो दुनिया चाहती है वो उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लीस्ट जो चीजें जो करनी है कि चलो आप दूसरों के सामने बैठे हो या वीडियो बना रहे हो तो अच्छे कपड़े पहन लो, नहीं तो मैं तो यार बहुत ही कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन के वो करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, ठीक है। तो मतलब ज्यादा अगर बाहर बाहर भी जाऊंगा तो बहुत ही, मैं अगर तुम मुझे मिले कभी रोड रोड पे तो देखोगे कि मैं बहुत ऐसे सिंपल राउंड नेक टी शर्ट पहनी है, जीन्स पहना है, अपना सिंपल ही रहते हैं, सिंपल बेस्ट है भाई, बेस्ट।
सिंपल रहते हो ना, तो माइंड भी, माइंड में ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा इतना इतना थिंकिंग होती है, एक सिंपल थिंकिंग ये है करना है बस। तुम अगर रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे ना, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग ही होगी। पर तुम अगर सिंपल सोच रहे हो कि ये करूंगा बाकी जो होगा, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ टाइप्स। अब वो पसंद वाली बात का भी मैंने बोला है कि पहले तो जो, फॉर एग्जाम्पल तुमको एग्जाम्पल दूंगा कि मुझे डांसिंग पसंद है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझको डांसिंग नहीं पसंद है, मैं डांसिंग बहुत खराब भी हूँ, बार बार मुझे डांसिंग का एग्जाम्पल आ रहा है, बट फॉर एग्जाम्पल आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हो राइट, और आपकी नौकरी है, आप 40,000 रुपये महीना कमा रहे हो, अभी आप नौकरी कर रहे हो किसी कॉर्पोरेट में, ठीक है, पर आपको बार बार आता जा रहा है कि मुझको मतलब कि वो करना है, क्या बोलते हैं, मुझको ये कोरियोग्राफर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, आपने सब छोड़ छाड़ के कोरियोग्राफर बन जाओगे, तो मैं ये बोलूंगा कि ये थोड़ा एक रिस्क है, ठीक है। मैं तुमको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि तुम अपना पहले लॉजिक जो है, अपना जो बेसिक चीजें है कि हाँ मुझको 40,000 में सोचो तो, और 25,000 एक्सपेंसिस, तो मे बी अगर कोई और नौकरी है जो 35,000 दे रही है मुझे, पर वो मुझे समय भी दे रही है 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा, जो मैं शाम को अगर कोरियोग्राफी कर सकूँ, डांसिंग कर सकूँ, तो मैं वो ले लूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ले लो, ठीक है। वो अगर कोई नौकरी तुम्हें समय दे रही है ना, समय भी बहुत जरूरी है, समय, मेंटल पीस, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू, दैट बैलेंस थोड़ा लाओ लाइफ में। बट बैलेंस का भी ये होगा कि अगर तुम एक चीज से दूसरी, अगर एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज में जा रहे हो, पर वो जो दूसरी चीज है वो एक चीज जितनी वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, या उतना तुम्हें एफर्ट नहीं लगेगा, तो इट इज काइंड ऑफ यू आर गिविंग अप। फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो कि मुझको कुछ कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट मुझसे हो नहीं रहा है, या मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं छोड़ के दुकान पे बैठूंगा। अब दुकान पे बैठना इज वेरी इजी, कुछ ज्यादा करना नहीं है दुकान पे, आई एम अज्यूमिंग कि दुकान तुम्हारे पास पहले से ही है, तुम्हारे पिताजी की है या घर वालों की है, और तुम्हें बस जाके उधर बैठना है, तो इट इज, तुम बहुत ही एक थोड़े डिफिकल्ट टास्क से इजी टास्क में आ रहे हो, तो वो नहीं करना है, हमें एक डिफिकल्ट टास्क से डिफिकल्ट टास्क में जाना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने जॉकरी छोड़ दी, और मैं अभी एक डांसिंग क्लासेस शुरू करूंगा, डांस क्लासेस, और उसकी एड वैड करूंगा, और उसमें से पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। बट मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा यहां से यहां मत आओ, पहले तुम क्या करो कि धीरे धीरे करके, फॉर एग्जाम्पल काम करते करते तुम डांस क्लास करो, ठीक है, डांस क्लास शुरू करो। का मैं जानता हूं, जैसे कि गुड़गांव में ही एक लेडी है, लेडी मतलब मेरी एज की है, लड़की है, वो क्या करती है कि सुबह 9 to 5 काम करती है, और उसके बाद फिर वो ना गुड़गांव में एक सेक्टर में जो साउथ इंडियन अप्पे होते हैं, अप्पे अप्पे अगर तुमने सुना होगा, अप्पे के है ना, वो स्टॉल लगाती है अप्पे का, ठीक है, वो बेचती है, बेसिकली खाना बेचती है, उसको वो इंटरेस्ट है कुकिंग का, तो वो सुबह काम कर रही है, और उसका एक दोस्त है वो उसकी हेल्प करता है, तो वो क्या करता है, वो शायद से वर्क फ्रॉम होम करता है या कुछ, तो वो सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार कर देता है, और वो उधर जाके फिर स्टॉल में बना के खिलाती है। तो आपको ना क्या होगा कि वो बना के खिलाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना बना के खिला रही है, इतना बेच रही है, कि वो उसके अपनी सैलरी से ज्यादा कमा रही है, तो तब वो अपनी जॉब छोड़े तो ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ज्यादा एम्बिशन नहीं है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझको ये रैट रेस में नहीं जाना है, इट इज ओके, हर आदमी को एम्बिशियस होना जरूरी नहीं है, अपनी दिल की बात सुनना भी जरूरी है। ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो है, मैं एक इधर से उधर, इस टॉपिक से उधर, उस टॉपिक से उधर मैं कूदा हूं, बट बेसिकली मेरा पॉइंट यही है कि है ना, एम्बिशियस होना, हमारी सोसाइटी बोलती है कि एम्बिशियस हो, बिलियनियर बनो, लैम्बोर्गिनी खरीदो, जरूरी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि दिल की शांति, मन की शांति और समय अगर आपको मिल रहा है किसी चीज में, तो आप वो करो, ठीक है, बट आप अपने इंटरेस्ट भी फॉलो करो, और जरूरी नहीं है कि उस इंटरेस्ट से आपको पैसे ही कमाने हैं। एक इकिगाई किताब है, इकिगाई किताब को भी आप पढ़ो, उसमें भी यही है अराउंड कि जो आपका पैशन है, पैशन से अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, देखो पैशन इज अ वेरी वो वर्ड, पैशन इज ऑल्सो फीलिंग्स राइट, फीलिंग्स बहुत पैशनेटली कि मैं ये करूंगा ये करूंगा, और फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिशियन बने पैशन से, आप 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, आपको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, कोई आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, तो मे बी आप थक के हार जाओगे। तो पैशन के साथ ना डिसिप्लिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट,
कुछ आप नया शुरू करते हो तो आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ही आपको कुछ वो परफॉर्म वो मिलेगा नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको पैशन, अपना इंटरेस्ट, तभी मैं ना पैशन पैशन वर्ड यूज नहीं किया, इंटरेस्ट वर्ड यूज किया। आपका जो इंटरेस्ट है ना उसको परस्यू करना जरूरी है। और अगर आपको कुछ ऐसा आप पढ़ रहे हो या आप नौकरी कर रहे हो जिसमें आपको समय मिल रहा है अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने का, तो वो गलत नहीं है। आपको बिल्कुल, मुझे तो 3 लाख कमाने हैं, 4 लाख कमाने हैं महीने के, वो करना है तो वो भी सही है अगर आप चाहते हो दिल से। पर अगर आप नहीं चाहते तो अपने आप को कोसना बंद करो कि यार मैं एम्बिशियस क्यों नहीं हूँ। ठीक है यार, सब एवरीबडी इज बिल्ट डिफरेंट, सब लोग अलग बने हुए हैं। अगर तुम एम्बिशियस नहीं हो तो ठीक है, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, खुद पैरों पे खड़े रहो। जितना तुम अपने आप को पाल सको उतना तो कमाना ही है, दूसरों को छोड़ दो। अगर तुम बिल्कुल ही तुम्हारा हो गया ना कि तुम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, बहुत ही वैसा हो गया है, तो पहले तो अपने आप को ठीक करो और कम से कम उतना कमाओ, 10,000 रुपया कमाओ और 10,000 की ही अपनी फिर जरूरत भी वो करो। ऐसा नहीं है कि 10,000 कमाया और 2,000 की पार्टी कर रहा हूं, 5 दिन में खत्म कर दिया। 10,000 कमा रहे हो, जितनी चद्दर है उतना पैर फैलाओ, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े रहो, पहले अपने पैरों पे खड़े हो, धीरे धीरे करके आप फिर फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, फिर कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाओगे। पर पहले खुद को सपोर्ट करो, पहले खुद के इंटरेस्ट को समझो, अपने आप को समझो, ठीक है। ये सारी चीजें ना, इस पे हम लोग बात करते नहीं है, बट बात करना जरूरी है। लोग ना बस जो चीजें ज्यादा लोग बोलते हैं, हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो चीजें मेजोरिटी लोग बोलते हैं उसी को सच मान लेते हैं। 100 में से 90 बोलेंगे कि ये दिन नहीं है, ये रात है, तो 10 जो बचे हैं ना वो उस दिन को भी रात मान लेंगे। बट दैट इज नॉट राइट। तुमको अपना खुद का कुछ सोचना होगा, खुद का कुछ थिंकिंग रखनी चाहिए। ग्रुप थिंक उसे कहते हैं, अगर 1984 करके एक नॉवल है, नॉवल का नाम ही 1984 है, उसमें होता है ग्रुप थिंक करके, उसमें वर्ड था कि सारे लोग जो सोच रहे हैं वही सही है, या वही मतलब ग्रुप जो थिंकिंग है ना कि पूरी दुनिया ये सोच रही है तो यही सही है। मैंने 4-5 मीम्स देख लिए कि फैमिली और लड़की वड़की, प्यार व्यार कुछ नहीं है जरूरी, मुझको तो पैसे कमाने हैं। पर ऐसा नहीं है भाई, प्यार बहुत जरूरी है। अकेले रहोगे ना और अकेला फील करोगे, वो जो फीलिंग्स है ना तुमने, वही मैं वापस कहूँगा कि तुमने एंग्जाइटी दबाने की कोशिश कर ली ना कितने टाइम से, कुछ दब रही है, नहीं है दब रही ना, क्या क्या कर लिया तुमने, फीलिंग नहीं दबती है, फीलिंग्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, ठीक है। नेगोशिएट करो कि अच्छा मैं थोड़ा ये कर लूँगा, भाई मुझे काम तो करना है तो थोड़ा कॉर्पोरेट में काम करने दे यार, बार बार सैडनेस मत लेके आ। एंड ऑल्सो मैं ये भी उसके साथ में मैं अपना ये सब जो भी है कोरियोग्राफी है, ये सारी चीज़ें हैं वो मैं कर लूँगा। मैं भी तो खुद नौकरी कर रहा हूँ और मेरी नौकरी हाई प्रेशर नौकरी है काफ़ी प्राइवेट, बट मैं कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। मेरे दिन में वीकेंड में 5-5 वीडियो आ जाते, कल मैंने 4-5 वीडियो डाले हैं, तो मैं वीकेंड पे वो करता हूँ, टाइम निकालता हूँ। तो कुछ ना करना पड़ेगा यार, आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तुम धोनी हो और तुम्हारे सामने वो ट्रेन इंडिया इंडिया चिल्ला रही है, तुम्हें वो ट्रेन चढ़ना है कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, वो चॉइस तुम्हारी है। ट्रेन चढ़ जाओगे तो धोनी, नहीं चढ़ोगे तो है ना। तो दोस्तों समझो अपने आप को, और रिस्क लेना है तो रिस्क लो, रिस्क के साथ एंग्जाइटी आएगी, उस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो तो भी डिसीजन लो, ठीक है। एंग्जाइटी आएगी पर वो एंग्जाइटी को झेलो और आगे बढ़ो, ठीक है, होगा। चलो दोस्तों यहाँ पे बंद करते हैं, और थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो था, बट आई होप आप समझे हो कुछ, ठीक है। एंड थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, बट मेरी बातें सुन के ना सो मत जाया करो, बातें सुनो उसको, उस पर ध्यान करो, उस पर सोचो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो डटे रहो यार, भागो मत, डटे रहोगे ना तो आधी प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगी, तो डटे रहो, कीप फाइटिंग।